सो बोलबम गाइस, और अभी मैं आया हूँ, देवघर जा रहा हूँ मैं थ्रू वॉक 100 किलोमीटर। ये ब्लॉग शूट करने का मन नहीं था, बट बहुत लोगों ने मेरे रील पे कमेंट किया और मैसेज किया कि दे वांट टू सी कैसा होता है, तो मैं इसलिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और अभी टाइम हो रहा है मंडे 18:09:30 PM और संडे को सुबह हम लोग ने 3 बजे जल उठाया था। तो जल उठाना मतलब गंगा नदी से हम लोग जल को उठाते हैं, पानी भरते हैं। और 100 किलोमीटर या 108 अभी कंप्लीट मालूम नहीं कितना है, बट 100 कुछ है। बेयर फुट चलना पड़ता है शिव जी के देवघर तक, वो झारखंड में आता है। सो हम लोग बिहार क्रॉस करते हैं फिर झारखंड जाते हैं। तो यार सेकेंड डे है, हालत ख़राब है। मैं ऐसे वॉक कर लेता हूँ, बट स्लीपर और कुछ शूज़ में वॉक करना और बेयर फुट वॉक करना बहुत डिफरेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 100 किलोमीटर कुछ नहीं है, बट बिलीव मी गाइस, इट वॉज द होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरा पैर का हालत दिखा देता हूँ, सो ये अभी कंडीशन है। तो अभी बस हम लोग रात भर रेस्ट करेंगे, देन सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 AM हम लोग ट्राई करते हैं कि सुबह सुबह जितना चल सके, आफ्टरनून में नहीं चले रेस्ट ले। सो कल सुबह मिलते हैं और दिखाते हैं। मालूम नहीं, डाइट तो कुछ होता नहीं है, बस आलमंड्स मतलब फ्लैक्स जो छोटा छोटा चीज़ खा लो, बिकॉज आपको चलना है। तो आप जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा चल पाओगे। सो चलते हैं और सुबह मिलते हैं फिर आपसे। अभी 41 किलोमीटर और बाकी है। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 4:30 कुछ निकले थे, अभी 6 बजने वाला है। सो 41 किलोमीटर मोर तो आज नहीं हो पाएगा, बिकॉज 41 किलोमीटर एक दिन में नहीं होगा। बट हम लोग का टारगेट है 30, कम से कम 35 तक करना, बिकॉज मंदिर में भी अब लाखों लोग जा रहे हैं तो मंदिर में भी टाइम लगेगा। क्या होगा गाइज, अभी मंदिर में भी 5-6 घंटा लाइन में लगा रहना, मेरे सामने लाखों लोग गए हैं। और एक मोटिवेशन ऐसा मिलता है, बूढ़े हो जाए बच्चे हो जाए सब जा रहे साथ में स्ट्रगल करके, तो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो चलते हैं और आगे करते जाइए, दान करते जाइए। वो जो आप लोग ने देखा वो एक धर्मशाला था, यहाँ पे सर्विसेज फ्री रहती है। जैसे वो सत्तू था जो जिम करता है उसको मालूम होगा, और पैरों की मालिश वो भी फ्री, स्टे भी फ्री होता है। सो ये 3-4 फैसिलिटी सारे आपको फ्री में मिलते हैं, इवन फूड ऑल्सो फ्री में रहता है। और अभी हम लोग 38 किलोमीटर कुछ हैं, एक स्टॉप लिया हमने सुबह से स्टार्ट करके, 7 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर रुका, वे प्रोटीन इलेक्ट्रॉल और एक सत्तू, बिकॉज ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते क्योंकि चलना है। सो लो कार्ब्स डाइट, बट शाम तक नाइट में एक ही डिनर होता है फुल, आफ्टरनून में हम लोग ट्राई करते हैं जितना कम खाएं उतना सही होता है। सो चलते हैं, अभी दर्द नहीं हो रहा, पहला 1-2 दिन स्ट्रगल था, अभी उतना स्ट्रगल नहीं हो रहा। और सो जैसा प्लान है आज रात तक हम लोग मंदिर के करीब पहुंच जाएंगे और कल सुबह जल डाल देंगे। सो चलते हैं आगे और दिखाते हैं। लेकिन बहुत मेरा था, एक स्टॉप लिए हम लोग, वहाँ पे केला खाया मैंने। और जो मैं 5 बार अप डाउन कर रहा हूँ, स्क्वाट कर रहा हूँ, 5 क्लैप, वो क्या होता है, आप जहाँ भी स्टॉप करते हो, कहीं भी आप स्टॉप कर रहे हो, तो जो जल आप उठाए हो उसको वहाँ रखना पड़ता है। वो वहाँ पे हर जगह बना रहेगा रोड पे, वो लकड़ी का, तो आपको उस पर रखना है जल, देन आपको माफ़ी मांगना है कि दैट आपने जल को नीचे रखा, नीचे इन द सेंस आपने इन बिटवीन रेस्ट लिया या रुका। तो हम लोग जब भी टॉयलेट भी करते हैं तो हमें फिर से नहाना पड़ता है उसको उठाने के लिए। तो वो था, अब हम सुबह के 11 बजने वाले हैं। तो ये लास्ट 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा पुश करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो 2 किलोमीटर के बाद रेस्ट करेंगे फिर शाम को निकलेंगे। तो चलते हैं, ये दिखाने वाला पेन नहीं है, सच में पेन हो रहा है, बट वी हैव टू कंप्लीट इट। सो गाइस, अभी सो के अभी उठा हूँ मैं, अभी 5:30 हो रहा है, तो अभी स्टार्ट करना है अभी जर्नी। अभी जस्ट नहाया हूँ मैं, जैसे मैंने बताया था, आप जितना बार सोओगे उतना बार उठ के आपको नहाना पड़ेगा। सो अभी नहा के बस फ्रेश होके जा रहे हैं, देखते हैं। 24 किलोमीटर और है, तो आज का टारगेट है 13 किलोमीटर कंप्लीट करने का,
देन अर्ली मॉर्निंग 3 to 4 AM उठ के नेक्स्ट जो भी रहेगा मंदिर तक का वो। सो अभी चलते चलते रुके हैं एक जगह, ये भी एक आश्रम है तो यहाँ भी जो भी रहे सब फ्री है। लोग देख रहे हो आप फ्री में टी, वहाँ मसाज दिख रहा होगा आपको। तो ये है और थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे फिर चलेंगे आगे। सो अभी यहाँ पे रुक के थोड़ा सा पैर में ये लगाए हैं सो दैट जो भी कटा हुआ है उसको थोड़ा रिलीफ मिले और फिर चल रहे हैं यहाँ से। सब ये सब फ्री है गाइस, कुछ पैसा नहीं लगता यहाँ पे, सारे लोगों के लिए सब फ्री है। बोल बम 3 किलोमीटर हाँ, बच्चे भी नहीं रुकते गाइस, इसलिए हम लोग अभी 1 किलोमीटर दूर है हम लोग मंदिर से और ज़्यादा रश नहीं है। हम लोग अभी 2 मंदिर जाना है तो पहला मंदिर यहाँ जाएंगे जो वॉक करके जा रहे हैं, 110 किलोमीटर है ये टोटल, और उसके बाद हम लोग एक और टेम्पल पर जाएंगे वहाँ। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं, थका नहीं हूँ ठीक है, क्लाइमेट साथ दे रहा है, ज़्यादा धूप नहीं है, चलते और आगे दिखाते हैं। 12:30 और अभी हम लोग शिव गंगा में आए हैं, ये लास्ट यहाँ पे हम लोग नहाएंगे और जाएंगे जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। सो 3 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे सुबह में संडे मॉर्निंग, और अभी संडे मॉर्निंग और अभी वेडनेसडे 12:30 बजे पहुँचे हैं। चलते हैं मंदिर और दिखाएंगे आपको, दिखा दे रहे कौन कौन साथ में, ये तो हमको सुनने को मिल रहा कि तुम सिर्फ अकेले का ब्लॉग बना रहा है। यह राजबम पप्पू बम और दौलत बम। सो गाइस अभी 1 बजने वाला है और हम लोग मंदिर पहुंच गए, तो दिखा देते कितना भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे से मंदिर सुबह में 1:30 to 3:30 बंद होता है और एल्स 24 आवर्स होते हैं। सो अभी लाइन हो गया शुरू यहाँ से देख लो, और टाइम है 12:53, 1 बजे स्टार्ट किए हैं लाइन में, अब दिखाते हैं कहाँ तक कितना टाइम तक काम होगा। हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग भीड़ होगा, सिर्फ ये 1.5 लाख स्टेप्स 110 किलोमीटर सिर्फ ये जल शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो गाइस ये है मंदिर, बस बाबा का दर्शन के लिए इतना दूर आए थे। सो गाइस अभी दूसरा जो जल था वो हम लोग देवघर से बासुकीनाथ आ चुके हैं, अभी कार से आए हैं, वो 40 किलोमीटर दूर था, यहाँ पे भी ये जल डालेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो जल डालते हैं फिर लास्ट में वीडियो को मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे हुआ ये वीडियो कंप्लीट, होप आपको थोड़ा मज़ा आया होगा, मज़ा इन द सेंस कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो, जिम करते हो, या आपका लाइफ में कुछ भी है, मैं तो मतलब एक ही सजेशन दूंगा, प्रे करो, हम्बल रहो, दैट्स इट। मैं पहली बार आया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, अभी बहुत पेन है पैर में, मैं बता नहीं सकता हूँ, और कुछ दिन तक वर्कआउट की वीडियोस नहीं आएंगे बिकॉज मेरा कंडीशन अभी सही नहीं है पैरों का, इतना चलने के बाद पैर में वाइट कुछ हो गया, जैसे आपको गर्म से कुछ जलने के बाद कैसे हो जाता है वो खुल जाता है, वैसा हो गया। तो 1 वीक टाइम मिलेगा रिकवर करने के लिए, तो इसके बीच में एक मेरा पहले का वर्कआउट का वीडियो वो मैं डाल दूंगा, तो उसको देख के इन्जॉय करना। और बस एक ही सजेशन है गाइज, रिलीजन को फॉलो करो, कोई भी आप रिलीजन से हो, अपने गॉड को फॉलो करो, ट्रस्ट करो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं, देने का मन उनका ऊपर है, वो देते हैं कि नहीं। तो गाइज मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।